फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जिम जा रहे हो ना किसी की बॉडी को देख इन्फ्लुएंस मत हो जाओ क्योंकि आपको नहीं पता उसके पीछे क्या राज है अगर आप में काबिलियत है और टैलेंट के हो तो मैं खुद कहता हूँ चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाना वो एड्रेस लेके आएंगे हमें मिलना है भाई से जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ मालिक चिल रहता है एम्प्लॉय पैसा दे के मेहनत करता है कस्टमर से मेहनत करता है मालिक तो एक तीस दिन के बाद लाभ आई थे <laughs> देखो मैं नहीं डरता किसी से मुझे फर्क नहीं पड़ता चोर की दाढ़ी मेती जिसके चुपे की मतलब समझ लो वो खोटा आदमी है। मरता हर कोई है भाई साहब मैटर करते जिया कैसे जाए एनी सेलिब्रिटी नहीं कोई नहीं सब बिके हुए हेलो दोस्तों मैं डॉक्टर योगेंद्र सिंह राठौड़ आप लोगों के लिए लाया हूँ इनर वेलनेस टाइप का अगला एपिसोड आज हमारे बीच बेहद स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं प्लीज वेलकम नितेश सोनी जी बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी आपने एक बहुत ही यूनिक रास्ता चुना है जहाँ पे हम ज्यादातर लोग मटेरियल वर्ल्ड और इन्फ्लुएंसिंग की दुनिया में लोग ब्रांड्स और इन सब के पीछे भाग रहे हैं वहाँ पे आपने एक बिल्कुल यूनिक पोजीशनिंग ली है तो क्या ऐसा पर्सनल स्टोरी है आपका जिससे आपने ये पाथ चुना कुछ इंसान जब कुछ करता है ना तो उसके पीछे वो खुद वो चीजें महसूस कर चुका होता है जब ही वो बिकता नहीं है नहीं तो अगर आज मान लो कोई मुझे बोले कि मैं फेक कर रहा हूं तो एक लेवल पे आके मैं बिक जाऊंगा जैसे मान लो मेरी डिमांड है कि मैंने अपने आप को लंबा खींचा अब मेरी डिमांड पूरी होगी नाउ आई कैन सील माई सेल्फूंगा बट एक होता है कि जो चीजें मैंने खुद फील की है कि कैसे मुझे पागल बनाया गया था मुझे डाइट से ध्यान हटा दिया गया मुझे डिसिप्लिन से हटा दिया गया जो भी आता आप ये ले लो इससे पावर बढ़ जाएगी आप ये ले लो पाँच ग्राम इससे पावर बढ़ जाएगी वो चीज़ें मैंने फ़ील करी है और दूसरी बात उस टाइम पॉकेट अलाउ करती नहीं थी और आजकल सेम वही बच्चों के साथ में क्योंकि मैक्सिमम बच्चे का की बोर्ड ही होता है इंटरनेट पर कमेंटबाजी करते रहते उनके पास काम नहीं है बेरोजगार है वो और उसके पीछे उनको क्या लगता है अगर वो भैया ने बता के गए हैं कि यार ये खाना है और मेरे पास ये नहीं है तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊँगा तो मैं उनको वहाँ से हटा रहा हूँ अभी जैसे आजकल बोलते हैं कि आपको वर्कआउट करने जाना है तो आपको प्री वर्कआउट लेना है है ना हम क्रिकेट खेलते थे दो दो तीन तीन घंटे खेलते थे कभी लिया हमने प्री वर्कआउट सुबह निकलते थे रात को घर आते थे खाना भी नहीं खाते थे पानी भी कहीं प्याऊ से लगा होता था तो मुँह लगा के पी लेते थे खेलते थे ना क्योंकि तो हमारा माइंड सेट था अगर वहीं हम क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और कोई बाहर एक दुकान है वो बोल रहा है क्रिकेट खेलने जाएगा तो वो एक ट्रॉफी खा के चला जा तेरे बैटिंग अच्छी हो जाएगी तो हमारा ध्यान वहाँ चला जाए चाहे वो टॉफी कुछ भी नहीं करे माइंडसेट हो गया तो वही चीज मैं समझा रहा हूँ बच्चों को कि आप शुरुआत तो करो बच्चा पहले दिन जिम में जाता है जाते उसको बोला जाता है कि आप ये वे प्रोटीन लो फिर आप एक मल्टीविटामिन लो पर उससे पहले कोई ये तो पूछो कि भाई तू फीस कहाँ से लेके आया है तू सेल्फ अर्निंग से आया है या अपने माँ बाप से लेके आया है उसके माँ बाप ने कैसे दिए कोई तो पूछो सीधा पिटते पंद्रह हजार रुपया ले जाता वो बच्चा दूसरे दिन जिम ही नहीं जाता क्योंकि उसके मन में डर बैठ गया क्योंकि आज एक बच्चा घर से मांगता है पापा हजार रुपए तो मुझे जिम जाना है या दो हजार रुपये दो तो मुझे जिम जाना है वहां जाके तो पंद्रह हजार की बात हो रही है क्या करेगा वो नहीं करेगा तो बेचारा घर आके बार मैं चाहता हूं हर क्लास हर वर्ग का बच्चा चाहे मिडिल क्लास हो चाहे हायर क्लास हो चाहे लोअर क्लास हो जान है तो जहान है सिक्स पैक बना लिए एप्स बना गए बेंस आ गई बैक निकल गई बाद में आपके आग लग गई और वो भी मालिक की वजह से नहीं आपकी गलती की वजह से क्योंकि आपने बहुत जल्दबाजी कर ली अब वो मैं चाहता हूँ कि मरो माली की वजह से मरो अपनी कमेंट बाजी करते हैं हर कोई दूसरे दिन दिमाग से पैदल यात्री खड़ा हो जाता है नीतिश सोनी एक्सपोज अरे किस बात का एक्सपोज <laughs> तो मेरे कूपन कोट चल रहे हैं <laughs> जो आज मैं ये नहीं कहता कि सत्तू मेरी वजह से आया नहीं सत्तू आया जो मेरे को पांच पॉइंट एट मिलियन लोग भरोसा करते हैं भाई जब मैंने इंटरव्यू हुआ था मेरा सतूस्ट था मेरे वन मिलियन थे जी ठीक है लोगों ने उस चीज़ को फॉलो करा कोई मेरे अकाउंट पर लड़कियाँ नाच नहीं रही कोई मेरे अकाउंट पर गाड़ियाँ उड़ नहीं रही कोई मेरे अकाउंट में दुआ सट्टाबाजी हो नहीं रहा कोई फेक लाइव दिखाई नहीं जा रही इवन मुझे खुद को गाड़ी नहीं चलानी आती कोई भी मेरी ऐसी रील नहीं जिसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ मुझे आती नहीं है उन लोगों ने उस चीज़ को यूज़ किया ना प्रैक्टिकल किया है प्रैक्टिकल करने के बाद उनको लगे कि हाँ इस बंदे में रियलिटी जब भी उन लोगों ने फॉलो किया है और फिर मैं हमेशा एक बात कहता हूं अगर आपकी नीयत साफ है तो आपकी काबिलियत आसमान पे चली जाएगी और अगर आपकी नीयत में खोट है और आप काबिलियत के सिकंदर हो फिर भी आप दुनिया के सबसे बकवास आदमी बनोगे क्योंकि आपकी नीयत में खोट है और हमेशा मालिक उसी का साथ देता है जो नीयत साफ रखता है वो कहते हैं ना हमारे कहावत है गूंगे का भगवान होता, right. होता है और ये फैक्ट होता है so तो मैं जब भी आज जाऊं हर तीसरे दिन कोई कड़ा होता है ये देखो रितेश सोन एक्सपोज ये देख अरे क्या, अपना काम करना कब <laughs> तक मेरे नाम की खाओगे तुमसे अच्छा तो कुत्ता भी बहुत सही होता है वो भी रोटी खा के भोगना बंद कर देता है <laughs> अब तुम हमारी रोटी म्याऊ म्याऊ क्या बात म्याऊ मैं भोक भी नहीं सकते तुम लोग म्याऊ म्याऊ वाले हो तुम लोग ये सच्चाई है इन लोगों की नहीं अब तो बहुत सुधर गया हिंदुस्तान हिंदुस्तानी वर्ल्ड की बात करूँगा जी जी क्योंकि मेरे पास पाकिस्तान से भी बहुत मैसेज आते हैं कैनेडा से ऑस्ट्रेलिया से लंदन से मेरे पास बहुत सुखनी था हाँ मुझे याद है मैं अपनी पहली बार जब इंस्टाग्राम पे बात हुई तो आई थिंक थ्री लाख टू फोर लाख फॉलोअर्स थे आपके और फिर रिसेंटली वन वन एंड हाफ एवर जो आपने मूवमेंट चलाया है आई थिंक पूरा एक मूवमेंट बन गया ये तो एक तरीके से और एक सबसे बड़ी बात बन गया। पता है कोई ये चीज नहीं नोटिस कर रहा कि इस बंदे का डिसिप्लिन है जो मेरी फैमिली है जो मुझे, जो मुझे आ, मैं हमेशा परिवार बोलता हूँ फैन फून नहीं बोलता मैं फैन होते एक्टर हो क्योंकि आप उनको सोशल मीडिया से मतलब ही नहीं है आज मान लो सलमान खान या अक्षय कुमार की मूवी आती है वो उनको मतलब ही नहीं सोशल मीडिया से वो लोग जाएंगे देखने देखने हम बने इन्हीं की बदौलत आज अगर हमें कोई सेलिब्रिटी कहता है या हमें कोई कहता है कि आप एक रोल मॉडल हो तो हम इन्हीं लोगों की बदौलत है अगर ये लोग हमारे फ्लो फॉलो पे क्लिक नहीं करके जाए कौन जानेगा हमें आज हम शायद यहाँ बैठे नहीं होते so हम कहीं फिर रहे होते तो वही तो है अभी और उन्हीं से बन के हम उन्हीं को गलत रास्ता दिखा रहे हैं तो हमसे बड़ा घटिया आदमी कोई नहीं है भाई आज जिन लोगों ने हमें एक मुकाम पर लेके आया है तो हमारा फर्स फर्ज बनता है कि हम भी उन्हें अपने मुकाम के साथ लेके के चले ना कि हम अपनी जेबें भरते बढ़ते उनकी जेबें खाली कर करें गलत कुछ भी एडवाइस गलत एडवाइस कभी मत दो आज जो इन्फ्लुएंसर आके बोलते हैं कि आप ये कलर प्रोडिक्शन करो या आप इसको प्रोमो ऐप पे चले जाओ या सट्टा खेल लो या ये प्रोमो कर लो क्या उनके बच्चे खेलते हैं क्या उनका परिवार का कोई सट्टा जुआ खेलता है मैंने आजकल एड्स देखे वो जो प्रमोशन बोलते हैं आप ये गाड़ी देख रहे हैं ये गाड़ी मैं यहाँ से लेके आया हूँ मैंने यहाँ पे जाके स्वाइप अप कर दिया तो मेरे को पैसे आ गए नहीं आते भाई <laughs> सच एक, एक परसेंट भी नहीं आएगा गाड़ी में हवा भरने के पैसे नहीं आएंगे गाड़ी तो बहुत दूर की बात है बस वो बच्चे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं सच बताओ उनको बेडम मेहनत करो तुम लोग ये क्लियर मैंने वीडियो मैं क्लियर बोलता हूँ भाई नहीं आता ऐसा पैसा आता तो आज जो अमीर लोग हैं उनको काम करने की जरूरत है ही नहीं एक हजार लोग हायर करो लाइन में बैठा दो चलो तुम तो ऊपर नीचे करते रहो स्वाइप अप करते रहो तुम्हें पैसा आ जाएगा नहीं आएगा मेहनत करने से ही आएगा तो डिसिप्लिन बहुत जरूरी है आज मेरा डिसिप्लिन है मैं साढ़े चार उठता उठता हूँ अगर आप मेरा जो अकाउंट का ब्रॉडकास्ट ग्रुप देखेंगे जो ब्रॉडकास्ट बनता है उसमें करीबन मेरे साढ़े पाँच लाख प्लस है और उसमें मेरा रात को एक बजे मैसेज आता है भाई आप सोते हैं परिवार और मिलते हैं आपसे सुबह फिर सुबह बजे के से सौ अब पच्चीस से तीस हजार लोग सेम सीन कर wow. अभी देखो क्या और मैंने कुछ पैसा थोड़ी कमाया उनसे अगर मुझे आज अर्निंग करनी हो ना उन लोगों से तो साढ़े पांच सौ लोग है ना अगर मैं सौ रुपये भी चार्ज करूँ साढ़े पांच लाख साढ़े पांच लाख अगर मैं सौ रुपये भी चार्ज करूँ कितना हो गया और ब्रॉडकास्ट के सब्सक्रिप्शन भी लगते हैं इंस्टाग्राम करोड़ हो गए फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है वो नहीं है, आप देखना कितने इंस्टाग्राम वालों ने ओपन कर रखा उसको राइट अगर आपको मेरा ब्रॉडकास्ट ज्वाइन करना है आपको सौ रुपये चार्ज करना पड़ेगा मेरा सारा खाता खुला है एक एक रील खुली है डाउनलोड करो रीमिक्स करो जो मर्जी करो मैं मना ही नहीं करता इवन कितने लोगों ने मेरी रील्स उठा उठा के मेरी वॉइस उठा उठा के मिलियंस पे है वो लोग राइट उनके एक एक मिलियन फॉलोवर्स है इंस्टाग्राम पे मैं उनको भी कुछ नहीं कहता हालांकि टीम कई बार बोलते सर कॉपीराइट राइट लगाते मैं नहीं लगा अगर किसी के घर पे दो रोटी आ रही है आने तो तेरे को तकलीफ हो रही है नहीं हो रही खाने दे दिक्कत नहीं अपने को आज अगर मेरी वजह से कोई एक आदमी एक कदम आगे बढ़ रहा है मेरे को खुशी मिलेगी मैं उसकी कदम खींचूंगा नहीं तू बढ़ भाई साथ में बढ़ कोई दिक्कत वही चीज़ें मैं समझाता हूँ बच्चों को अब तो देखो पहले से बहुत इम्प्रूवमेंट है और दूसरी बात करीबन मेरे अब पर पांचपुर नौ होने वाले हैं आज ये कल हो जाएंगे हो जाएंगे ठीक है तो उनकी सबसे खासियत ये है वो कभी भी कुत्ता भी नहीं लिखते किसी को गाली देना तो बहुत दूर की बात है वरना आप देखना किसी इंस्टाग्राम की कमेंट में जाओगे तो तेरी माँ की तेरी बहन की तेरी मेरा परिवार नहीं करता वो हमेशा एक ही बात बोलते हैं कि आप लोग उनसे बराबरी करते हो और वो आपका नाम भी नहीं लेते इंडिया का फर्स्ट अकाउंट है जहाँ कॉन्ट्रोवर्सी जीरो है और किसी के नाम का व्यू नहीं है

अगर ऐसे ऑनलाइन करने से कोई माँ बहन होती तो आज कितनी प्रेग्नेंट हो जाती <laughs> नहीं होता <laughs> कुछ भी नहीं होता ये कीबोर्ड की बोर्ड की योद्धा है ये वो कीबोर्ड की <laughs> बोर्ड की योद्धा <गयोता। laughs> गली, गली है ना मम्मी अभी बाहर नहीं जाऊंगा कुत्ता बैठा है और अंदर कमेंट कर रहा मैं तेरी ये कर दूंगा क्या <laughs> <laughs> जिंदगी है ये निकलो बाहर इनसे जो भी है यूथ हो ना यूथ का मतलब ये नहीं होता कि किसी को गिराना या किसी को अपने काम से मतलब रखो अगर आपको कोई अच्छा नहीं लग रहा स्किप ब्लॉक सिंपल आप क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो आप कोई लेकिन देखते हो ना कोई आज कोई काम कर रहा है उसके नीचे आगे नेगेटिव कमेंट करना क्या हो जाएगा यू आर जस्ट वेस्टिंग योर एनर्जी सिंपल मुझे जो नहीं अच्छा लगता ना आ, आज आप मेरे बार बैठे हो अगर आप मेरी बुराई करोगे ना मैं ब्लॉक मार दूंगा गेट से निकलते <laughs> मैं एनर्जी वेस्ट करूंगा ही नहीं आप पे जीरो सही है बिल्कुल सिंपल तरीका है जीरो बटा जीरो फिर आप दूसरा फोन ढूंढ के मेरा अकाउंट लेना

एक होते हैं हम जैसे रुमाल लिया दो तो पाँच खिचड़ के दाने साफ करे अपने रास्ते पर चल पड़े मेरे पूरे कपड़े गंदे नहीं हुए सही बात है अब देख लो आपको किस करेक्टर का प्राणी बनना है दिमाग से पैदल मत बनो क्योंकि जिस दिन तुमने दिमाग को अपना गुलाम बना लिया ये दुनिया के तुम राजा बन जाओगे पर बनाने के लिए उसके लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए मालिक में ध्यान लगाओ दस मिनट सिर्फ दस मिनट बहुत होता है यार जो गुरु अच्छा लगे

तो तो देखो सबसे पहले तो आपको तीन से चार बातें नहीं पता उसके कितने सालों की मेहनत है कितना डिसिप्लिन है कितना नहीं है जैसे आज मैं यहाँ खड़ा रहा हूँ और एक आदमी मेरे सामने टेंथ फ्लोर पे है तो मैं सीधा टेंथ नहीं देखूंगा मैं पहले फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ देखूं बच्चे सीधा देखते वो परेशान हो जाते दूसरा अगर ऐसा कोई गुरु कोच या मैंटोर ऐसा लाइफ में है जो आपकी जाते ही जेब काट रहा है आजकल हर कोई बच्चा स्मार्ट है समझ में आप हम थोड़े उस टाइम में बोले होते थे हमें तो, तो, तो गुरु ही परमात्मा है आजकल गुरु शैतान बना हुआ है परमात्मा नहीं है बुरी लगता लग जा मुझे फर्क नहीं पड़ता किसी से क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूँ मैं सिर्फ उस बात का जिम्मेदार हूँ जो मैंने कहा है जो आप सोचते हो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि मेरा दिमाग किस लेवल में मुझे पता है आपका दिमाग किस लेवल पे आप जानते हो वही चीज़ें अगर कोई गुरु जाते ही आपकी जो फाइनेश है भाई आपके पास बस भाई तो कितना कमाता है मुझे बता तू कमाता पाँच हज़ार है मैं लिख के तेरे को दस हज़ार का दे रहा हूँ तू कहाँ से कुछ कर लेगा दूसरा फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप जिम में जा रहे हो एक एज है तो आपको किसी की भी जरूरत नहीं है आप आराम से अपने घर की डाइट खाओ बस बाहर के ये शुगर बंद कर दो अगर कोई एल्कोहल या सुट्टा मार रहे हो सुबैग के चक्करों में ये बंद कर दो बेसिक वर्कआउट पे ध्यान दो पचास से साठ दूसरी बात मेरा अकाउंट जाके देख लो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी किसी की आपको सब समझ आ जाएगा शुरू कहाँ से करना है अगर ये कमी है तो इसको क्या ऐड करना है आगे कैसे बढ़ना है आप सब निहाल हो जाओ कितने लोगों ने मेरा अकाउंट देख देख के आज वो ब्रांड के एथलीट बने हुए बहुत बढ़िया और वो कहते सर हमें कोई गुरु आयर नहीं किया क्योंकि हमारा बजट ही नहीं है तो इस पर आपने कुछ

अब आप आए तो मैं क्या करूँ अनिल का नाम काट के आपका लिख दूंगा सेम आपको भेज दिया आप जानते थोड़ी अनिल कौन है कौन वह काम चोरी होगी एक हुआ कि मैं खुद पेन से लिख रहा हूँ तो जब मैं अनिल का नाम काटूंगा ना तो वह ग्रोस लग जाएगा निशान बन जाएगा जब यहाँ कुछ पहले और आदमी था तो खुद नया बना अब वो जब नया बनाते हैं ना तो वो रंग भी लगाता है क्योंकि आपने मेहनत की है काम चोरी नहीं की और मैं मेरे काम से इतना प्यार करता हूँ कि मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ मैं मेरे काम में एकदम परफेक्ट हूँ उसके अलावा मैं दुनिया का सबसे लापरवाह इंसान हो सकता हूँ मैं ये नहीं कहता कि आई एम डॉट बेस्ट बट मैं अपने काम के लिए बेस्ट हूँ बाकी मैं बहुत लापरवाह इंसान हूँ मैं कहीं भी फ़ोन रख के भूल जाऊँगा अपना मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कितनी बार तो जो मेरे साथ में ये ध्यान रखते हैं आप फोन बुलाए अपना मैं तो ले आओ फिर काम में कोई लापरवाही नहीं करता मैं सही बात और काम में कोई आलसीपना भी नहीं अगर मेरे को रात को दो बजे कोई क्लाइंट बोल रहा है ना सर मुझे बात करनी है आ जा आ जा दे क्या दिक्कत है पाँच मिनट हो जाऊँगा एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि जब आपके पास कर्म और वक्त दोनों है ना उनका फायदा उठाओ so true. और जिस दिन आप कर्म करने के लायक बनोगे आपके पास वक्त नहीं होगा पर आपके पास वक्त होगा तो काम करने के लिए कुछ नहीं होगा तो क्या करोगे तो कर्म और वक्त दोनों साथ में चले ना तोड़ दो भूल जाओ नींद वींद कुछ नहीं है ये सब ड्रामे है मैं ये सब कोई कहता आठ घंटे मैं चार घंटे सोता हूँ oh. मैं अभी भी रात को दो बजे सोया था और सुबह क्या मेरे इंस्टाग्राम चेक कर लो पांच बजे की स्टोरी अपलोड है <laughs> दिख रहा है मेरी आपको मैं कमजोरी करें वो बिल्कुल भी नहीं कहीं दिख रहा है मैं कुछ हूँ नहीं बिल्कुल नहीं मैं इसको गुलाम बनाया हुआ मैंने मैं इसका गुलाम नहीं डेली रूटीन क्या रहता है आप देखो मेरा डेली रूटीन डे पे रोज कैसे उठने से लेकर सोने चार उठता हूँ उठने के बाद दस मिनट अपने आप अप, अपना रिलैक्स हुआ घूम फिर लिया फिर मैं अपना जो इंस्टाग्राम की स्टोरी सारी अपडेट करता हूँ जो क्लाइंट के रिजल्ट होता है वो डालता हूँ एक अपनी वीडियो पोस्ट करता हूँ हर दिन सुबह पाँच बजे वीडियो जानी जानी है वो वीडियो जाती है मोटिवेशनस की जैसे किसी बच्चे को वर्कआउट करते हुए अगर किसी ने कोई चीट किया है तो उसको पनिशमेंट करते हुए ठीक है या कुछ एक ऐसा वर्कआउट डाल दिया जिससे बच्चों को लगे कि हाँ ये मैं आज ऐड कर सकता हूँ उसके बाद घर से निकलते वक्त अपने मेरे माता पिता को प्रणाम करके निकलता हूँ भी मैं, मैं जाके आता हूँ ऐसे कभी नहीं बोलता मैं जाता हूँ मैं हमेशा माँ को बोलता हूँ मैं जा आता हूँ फिर अपना जिम जाता हूँ जिम जाके आधा घंटा अपने वहीं शुरू हो जाते हैं फिर अपना थोड़ा फोड़ी करते हैं शरीर की डेढ़ घंटा वो फिक्स है थोड़ा फोड़ी करनी ही करनी है <laughs> मैं थोड़ा फोड़ी बोलता हूँ मैं मेरे क्लाइंट को भी थोड़ा फोड़ी बोलता हूँ तोड़ो अपने आप को जितना तोड़ सकते तोड़ो सही है अपना करके फिर अपना वर्कआउट करके डाइट वगैरह अपना फिनिश करते हैं फिर मेरा काम शुरू हो जाता है जो क्योंकि मैं क्या हर दिन के हिसाब से रखता हूँ क्लाइंट को अच्छा जैसे आपने मेरे को ज्वाइन किया है तो आप हर दिन मेरे को अपडेट ओके इवन आपकी मील की भी मेरे को दोगे आने से पहले मैं मील की फोटोज लेता हूँ अगर मैं अप्रूव करूंगा तो ही वो खाएगा अदरवाइज वो नहीं खाएगा

Even कई भी सके तो वो प्रसाद हो पता नहीं हम उससे जुड़ चुके हैं अगर दे किसी वीडियो में वो स्किप हो जाता है तो नीचे लगता ना, एक तो सपना देखना, एक तो सपने को जीना और तो मालिक बस सपना ही है तो इसको उठाना मतलब क्योंकि वही बात है मेरे फादर साहब कहते हैं हमेशा क्योंकि मेरे को किसी ने सपोर्ट नहीं किया था मेरे को परिवार से या यार दोस्त से ज़ीरो सपोर्ट था मैं पाँच हज़ार रुपये की नौकरी करता था जब मैंने स्टार्ट किया था फिटनेस के अंदर आना तो मैं पाँच हज़ार रुपये की मेरी ट्रेनिंग थी उसके बाद मेरा आठ हज़ार रुपये हुआ फिर मैं मेरे एक छोटा सा शहर है अनूपगढ़ मेरे घर से बाईस से तेईस किलोमीटर दूर तो वहाँ मैं डेली अप डाउन करता था वहाँ भी मैं ट्रेनिंग करवाता था तो देख लो उसी से मैंने उसी जिम को ख़रीदा अच्छा जहाँ न... मैं ट्रेनिंग था मतलब जिम के इक्विपमेंट खरीदे जगह नहीं खरीदी इक्विपमेंट खरीदे खरीदने के बाद मैंने खुद की जगह खरीदी जगह खरीदने के बाद जगह को है, मतलब आज इतना बड़ा आप कर रहे है। सो तो छोटा सा मैसेज जोर देना चाहूंगा जो भी लोग देख रहे हैं कुछ लोगों के पास टैलेंट होता है बट वो कहते हैं कि हमें एक प्लेस नहीं मिल पा रहा जहां अपने टैलेंट को स्पेसिफाई कर पाए

पिक्चरों में या बॉलीवुड में बहुत लोग बात करते हैं कि छह महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तीन महीने में ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया सो so, ये किस हद तक सच है और इसका लॉन्ग टर्म इम्पेक्ट क्या होता है लोग कर भी लेते हैं तो, दो से तीन बजे एक तो होता है पहले मसल मेमोरी उन लोगों ने पहले अपनी एक फिजिक बनाई होती है। अच्छा पहले से उनका हाँ, कुछ ना कुछ रहा हुआ है रहा होता है वो छोड़ देते हैं है ना अपना उनकी क्योंकि फिल्म के हिसाब से रिक्वायरमेंट अलग होती है पर जब वो शुरू करते हैं तो मसल मेमरी रिकॉल हो जाती है अच्छा हाँ और कुछ जो नए होते हैं वो जिनको एक फिजिक चाहिए होती है वो कुछ शॉर्टकट कर यूज करते हैं प्लस उनकी डाइट बहुत क्लीन रहती है मैं खाली ये नहीं बोलूंगा कि शॉर्टकट से सब कुछ होता नहीं है, होता वो सिर्फ दस परसेंट रोल प्ले कर आपको उसके साथ बॉयल भी खाना पड़ेगा ट्रेनिंग भी करनी पड़ेगी आपको डिसिप्लिन में भी रहना पड़ेगा आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा अगर शॉर्टकट से या सप्लीमेंट से बॉडी बनती तो आज पूरा हिंदुस्तान फिट होता सही बात है जिम एक ऐसा प्लेस है जहाँ मालिक चिल रहता है Employee पैसा दे के मेहनत मेहनत करता करता है। सही बात। करता है। कस्टमर कस्टमर से मालिक तो एक तीस दिन बाद लाभ आई और जिम ऐसी so uh, ये जो बात लोग इंजेक्शन की बातें करते हैं और इनका क्या रोल रहता है कितना रोल रहता है और क्योंकि मैंने सुना है बहुत लोग ये करते हैं जितने बड़े स्तर पे होते हैं क्विकली करना है होता है तो और फिर उसके मेंटल इफेक्ट भी देखते हैं में इसके ना दो से तीन वजह होती है फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो हमारा गोल फिक्स होना चाहिए जो लोग मतलब एक जिनको पता है कि हमें नेक्स्ट लेवल पे जाना है तो उनकी मजबूरी हो जाती है बट उनके साथ जो उनका डिसिप्लिन होता है वो बहुत जरूरी होता है वो खाली ऐसा नहीं होता कि इनहेंस हो गए या इंजेक्शन लगा ले नहीं बनती वो बहुत मेहनत करते दिन रात तोड़ते हैं अपने आप को इवन अपने आप को परिवार से दूर भी करते हैं क्योंकि जब लास्ट का टाइम होता है बॉडी में चिड़चिड़ापन आता है बिना बात के गुस्सा आता है एग्रेशन आता है क्योंकि बॉडी में नमक बंद होता है पानी बंद होता है सब कुछ कट ऑफ हो जाता है तो वो अपने आप को कितने बॉडी तो परिवार से जुड़ रखते हैं ताकि हमारी किसी से लड़ाई ना हो एक तो होता है फर्स्ट ही एक होता तो है सेकेंड कि मुझे इंस्टाग्राम पे चार पोस्ट करनी है वो गलत है आ, एक होता है ना किसी को देख के कि यार मुझे ना खाली इंस्टाग्राम पे चार पोस्ट डालनी है मैं डालने के लिए कुछ भी ले लेता हूँ वो सबसे बड़ी गलत है और तीसरा आता है ये उन से गुरु की बात कर रहा हूँ जो बच्चे को बिना गोल पूछे ही देना शुरू कर देते Just उनको, profit. हाँ, उनको बोलते हैं कि यार मुझे एक बात बताओ तीन महीने सारी उम्र तो नहीं जाने वाला वो।, वो तो पंद्रह दिन में फे, फेल हो जाएगा आप देखना कभी भी किसी की बॉडी देखना जो मतलब इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम रहता है अचानक से तो बॉडी ये हो जाएगी और महीने बाद ही बूटी जीरो हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि हवा निकल गई जैसे गुब्बारे में हवा डालते हैं ना वो वैसे शरीर से हवा निकल गई तो उन लोगों के लिए कोई भी जरूरत नहीं है बॉडी बिल्डिंग और फिटनेस में बहुत फ़र्क है चे. जैसे अब मैं आज फिटनेस को प्रमोट करता हूँ बट मैं बॉडी बिल्डिंग को सपोर्ट भी करता हूँ जैसे आप देखेंगे मैं कितनी बॉडी बिल्डिंग इवेंट्स में जाता हूँ तो मैं कैश दे के आता हूँ और ये नहीं कोई जीतता उसको दे के आता हूँ मैं हारने वाले को भी दे देता हूँ क्योंकि जीतने वाले को कुछ ना कुछ तो मिला है हारने वाले को अगर कुछ भी मिल जाता है ना तो वो एक रिलैक्स हो जाता है कि एटलीस्ट यार मुझे किराया ही मिल गया घर जाने का या मेरी एंट्री फीस ही मिल गई तो वो उनको पता होता है और दूसरी बॉडी बिल्डिंग कभी भी ऑनलाइन देख के नहीं की जाती क्योंकि उनका गुरु फिक्स होता है वो सब रास्ता दिखाता है फिर आजकल देखना आप इंस्टाग्राम पर कोई आगे बोलता ऑनलाइन आप ये इंजेक्शन ले लो आप इसकी साइकिल ये बहुत गलत तरीका है मतलब तो 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 मेहनत का कोई नहीं है, वो तो है आपको ये समझाओ जब आपका, अगर आप, आपने एक छोटी सी बात बात आपने कोई राजा महाराजा या एक हाई क्लास के बच्चे को बॉडी बिल्डिंग करते देखा है नहीं क्यों नहीं देखा उनको पता है भैया डर है बॉडी बिल्डिंग मैक्सिमम मिडिल क्लास के लोग करते हैं

सीखना तो उनकी मेहनत सीखो उनकी बॉडी वन देखो क्योंकि उनका जेनेटिक्स अलग है उनका पागलपन अलग है उनका जुनून अलग है उनकी मेहनत अलग है थर्ड पॉइंट सबसे मेन होता है जेनेटिक्स अपने माता पिता की उसका सबसे पहला रोल होता है दूसरा रोल होता है आपकी मेहनत क्योंकि जैसे मेरे मेरे यहाँ चेस्ट में गैप है अच्छा और पापा के भी सेम है तब मेरे पहले गैप इतना था ये फिर मैं मेहनत करता रहा तो मसल आ गया हालांकि गैप नहीं कम हुआ ये पर मसल ने जगह ले ली राइट तो वो चीज है तो किसी को भी आप अगर वाक्य में फॉलो करना चाहते हो तो उसकी डिसिप्लिन को फॉलो करो उसके मेहनत को फॉलो करो और सबसे मेन उसका ये देखो कि वो जिम में कितने दिन जाता है ये मत फॉलो करो कि उसने बैग में से खोल के क्या खाया ये मत फॉलो करो कि उसने क्या लगाया ये मत फॉलो करो कि वो कहा क्या करे नहीं रील और रियल लाइफ में बहुत फर्क होता है ये बात आप लोग को सोचनी पड़ेगी सोशल मीडिया जिंदगी नहीं है सोशल मीडिया से जिंदगी बनती है ये बात को इतना सा फर्क अगर समझ जाओगे ना आजकल बच्चों ने सोशल मीडिया को जिंदगी बना लिया आप एक दिन इंटरनेट बंद कर देना इंस्टाग्राम का हिंदुस्तान बेरोजगार हो जाएगा आधे से ज्यादा <laughs> एनजाइटी हो जाएगी उन लोगों को राइट right. और क्या हो रहा होगा मेरा इंस्टाग्राम चल रहा वो भागेगा वाईफाई चल रहा है तेरे मेरे को तेरा अरे क्या हो गया हो गया हो गया चिल रिलैक्स हो जा <laughs> भागते हैं पागल हो जाते हैं अब आज के लिए एक नया बना है ऐसे गड्डी फेंको फॉलो मी अच्छा गड्डी फेंको फॉलो मी बट इतने मूर्ख प्राणी हैं उनको ये बात समझ नहीं आती भी गड्डी फेंकी तो किस पे गई थी दिया किसको गया है और जिसको भी दिया गया है खाली इतना सा दिखा के दिया गया है चलो तो आज एग्जाम्पल देता हूँ आपको लोम आज उनका भंडा फोड़ कर ही देते हैं जय राम जी की आप वीडियो बना रहे हो ठीक है आपने गड्डी फेंक दी सपोज करो नितेश पे आ गई अच्छे आपने नितेश को मैसेज किया कि नितेश यू विन बीस हजार पच्चीस हजार तीस हज़ार पचास हज़ार पे जीत गए जीत गए आपको सेम टाइम पे मेरी रिप्लाई आ सकता है नहीं आएगा नहीं आएगा नहीं आएगा पर आपने सेम टाइम वीडियो कैसे बना दी उसमें मेरा रिप्लाई भी आ गया आपको और आपने कोई स्क्रीन शॉट दिखाया ही नहीं जहाँ मैंने आपको अपना बार कोड या पे नंबर भेजा है वो तो दिखाया ही नहीं आपने सिर्फ ये दिखाया कि नितेश आपको बीस हज़ार रुपये जीत चुके हुआ और आप दूसरी तरफ ट्रांसफर कर रहे हो वो जो ट्रांसफर किया जा रहा है वो नितेश को हो ही नहीं रहा नाम और कोई है भिखारी मत बनाओ है एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं ऐसे मेरे पास एक बच्चा आया वो बच्चा वीडियो भी देख भी रहा होगा अगर वो मेरे अकाउंट पर देख लेगा वो बच्चा मेरे पास पैसे मांगने आया कहता भैया मेरे को पांच हजार मेरे को है नहीं मैं तेरे को आज भिखारी बनाऊं या लायक बनाऊ तू जो गया वो बना दूंगा कहता नहीं भैया भिखारी क्यों बोल रहे हो

ठीक है अगर मैं फ़ोन मार दूंगा वो चालीस में भी दे देगा तेरे ले आ साथ में एक चाकू ले चालीस लिया तो चालीस ही ले के आनी है इकतालीस भी लेकर आने क्योंकि तेरे पास ला रहे चालीस ही है कितने रुपये लगेंगे तेरे मैक्सिमम सत्रह सौ अठारह सौ रुपये लगे ले आ किसी भी जिम के बाहर बैठ जा अगर कोई नहीं बैठने दे मेरी बात करवा देना साठ रुपये का बिकेगा चालीस इंटू बीस कितने हो गए साठ सौ हो गया एक दिन का कितना हुआ तीस दिन का कितना हुआ चौबीस हजार रूपये बहुत बढ़िया लगा क्या मात्र सत्रह सौ रुपये और कितनी देर सिर्फ आधा घंटा एक बार में पांच हजार रूपये दे दू फिर वो दूसरे दिन किसी के गेट में उड़ जाएगा सही बात आज उसको दिखेगा कि अगर मैं एक जिम के बार आधा घंटा इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो मेरा आठ सौ रुपये बन रहा है अगर मैं ऐसे ही दिन में पांच जिम के इन्वेस्टमेंट कर दू तो मेरे चार हजार रूपये बन रहे हैं सालाना ना कितने तो महीने कितने हो गए एक लाख बीस हजार रुपये अब क्या बनाऊंगा उसको बताओ ये ये influencing ये ये इन्फ्लुएंसिंग होती है Actual influence करना ये होता है एक्चुअल इन्फ्लुएंस करना होता कि आप उसको इस लाइक like बना दो कि वो दोबारा किसी के गेट पे मांगने नहीं देने जाए कुछ लोग हैं जो अपने कर्म की वजह से धक्के खा रहे हैं किसी का हाथ नहीं है किसी का पैर नहीं है कोई कहीं चुराए पे बैठे हैं कुछ बैठे हैं हाँ देने उनको दो क्योंकि वो लोग कर नहीं सकते आज मुझे बहुत लोग पॉइंट आउट करते हैं मैं भी देता हूँ तो मना नहीं करता मैं देता हूं पर उनको सोशल मीडिया पता नहीं क्या होता आप उनको बोलो इंस्टाग्राम क्या क्या बोले भाई साहब आप इंस्टाग्राम ना जी ना ना जी ना अरे दूसरी मेन बात मैं उनको ये नहीं पूछता आप मुझे फॉलो करते हो तो लो आप ये जीत लो लो घड़ी ले लो या आप ये मोबाइल ले लो या फिर रुमाल ले लो या आप भिखारी बन जाओ भिखारी मत बनो सबसे पहले देश के बनो अगर आप लोग देश के ही नहीं हो तो आप किसी के नहीं हो उसके बाद बनो अपने माता पिता के क्योंकि एक सिंपल सी बात बता देता हूँ अगर दुनिया का बादशाह बनना है अपने माँ बाप के गुलाम बन जाओ आप दुनिया के राजा आदमी हो माँ को कोई पूछता नहीं है पापा की कोई कदर नहीं करता बेबी ने खाना खाया <laughs> मेरी बेबी को जुखाम हो गया और, और मेरी बेबी की चोट पैर में लग गई बेबी लग गई पूछा कभी माँ तू सुबह से मेरे लिए किचन में इस गर्मी में खाना बना रही है तूने रोटी खाई है आप बैठ आज मैं तेरे को डाल देता हूं बनाने के लायक तो तुम हो ही नहीं डब्बे में से निकाल के दो रोटी और उसको सब्जी रख के दे दोगे ना तो तुम्हें मालिक देखेगा तुम उसको खाना खिला रहे हो वो कहते ना मैं उसके लिए बेहतर हूँ तू बेहतर है कल कोई होगा 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 आज की डेट में इस दुनिया के अंदर सिर्फ एक माँ बाप है जो तुम्हें बिना मतलब के प्यार करेंगे उसके अलावा तुम्हें अगर तुम्हारे पास कोई खड़ा है तो वो मतलब के लिए खड़ा है इस बात का सार आज समझ लो या कल समझ लो या जब चोट खाओगे तब समझ लो ये दुनिया में बिना मतलब के तुम्हें पानी तो बहुत दूर की बात है कोई हेलो भी नहीं बोलेगा अगर वो हेलो बोल रहा है तो तुमसे मतलब है और एक मात पिता ऐसे है जो तमाम उम्र जब तक वो जिंदा है ना वो तुमसे यही पूछेंगे कि बेटा तू कैसा है ऐसा नहीं पूछेंगे बेटा तू कितना कमा ले के लेके आया है और बाकी तुमसे जब ये पूछेंगे तू गाड़ी में आया तू फ्लाइट में आया ये नहीं पूछेंगे तू ठीक आया या नहीं आया आपका स्टेटस देखा जाता है

सो so, एक और चीज नितेश जी आई वुड लाइक टू नो कि आजकल बहुत इंसिडेंट्स हम देखते हैं कि जिम में वर्कआउट करते समय हार्ट अटैक आ गया उसके क्या कॉजेज होते हैं क्यों ये होता है क्या देखो फर्स्ट तो इसका ये चीज है जब किसी चीज की जरूरत बढ़ती है ना उस चीज की उतना नकली उत्पादन होना शुरू हो जाता है ठीक है जब मैंने शुरू किया था उस टाइम सिर्फ तीन से चार ब्रांड मार्केट में थे प्रोटीन आ, प्रोटीन सप्लीमेंट सप्लीमेंट और 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 गिने चुने उसके अलावा कोई नहीं आते थे बिल्कुल भी नहीं आते थे चलो आज मैं बेंगलुरु का देखी 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 yes. देख रहे हो ना ये पहले क्यों नहीं आई पहले कहा क्योंकि अब जो कंपनियां है वो प्रोडक्ट में इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं

किसी का देख के खरीद लेते हैं उनको लिटरली पता ही नहीं है कि हमें इसकी जरूरत है या नहीं है और बदराम क्या होता है जिम चलो आज एक हिंदुस्तान में कितने लोग मरते होंगे मरते होंगे लाखों में हाँ। तो, अगर उन्हीं में से कोई एक जिम में मर जाए तो वही क्यों गिना जाता है वो ही क्यों न्यूज पेपर में आ जाता है ऐसे भी कितने बच्चे होंगे जो पैदा होते हैं जिनकी माँ चली जाती है हालांकि कवर तो उस बच्चे को करना चाहिए ताकि कोई इसको सपोर्ट मिल जाए कोई एक आगे बंदा आके उसको संभाल ले उसको नहीं किया जाएगा जिम में हुआ हार्ट अटैक जिम में मरा वजह किसी ने नहीं, नहीं पूछनी क्योंकि आजकल हर एक और एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं ये पानी है ये दो हजार रुपए का है दूसरा पानी आठ हजार रुपए का है कौन सा पानी पियोगे आप आठ वाले में आठ वाले अगर आप आठ वाला अफोर्ड नहीं करें तो आप पानी दो हजार वाला नहीं लोगे तो छह हजार का डिफरेंस इतना समझ आता ना पर जो डब्बा बनता है आपको पता नहीं अंदर क्या है नहीं पता अंदर क्या है अपने को जूते ब्रांड के लेने हैं टी शर्ट ब्रांड के लेने है, सस्ता दे दो भाई क्यों दे दो भाई तो तुम ये नहीं देख रहे कि छह हजार का डिफरेंस भरोसे का डिफरेंस है और आप कभी भी देख लेना जो आठ हजार वाला ब्रांड है ना आपको इसकी ब्रांडिंग या प्रमोशन नहीं दिखेगा बहुत कम दिखेगा अरे ये दो हजार वाला हर कोई लेके घूम रहा होगा हर कोई लेके घूम रहा होगा क्यों इसी की वजह से बच्चे जा रहे हैं जब मैंने ज्वाइन किया तो मैंने तो कभी केस सुने ही नहीं थे ऐसे भी कोई ऐसा बच्चा हार्ट अटैक से मर रहा है या नहीं हाँ हॉस्पिटल में बुलाई मर रहे थे लोग मर रहे थे जिम में तो हमने सुना ही नहीं था पर आजकल आप जस्ट पहले पांच से छह ब्रांड थे अब पांच से छ हजार ब्रांड है अभी रिसेंटली स्टडी भी आया था कि सब पकड़े नाइनटी परसेंट और सबसे बड़ी बात ये देखो जो उसमें एक ब्रांड टॉप क्वालिटी में आया है टॉप क्वालिटी मतलब सबसे घटिया एक नंबर घटिया

किसी <laughs> के यार मैं मेरी बात सुनो आप एक छोटा सा एग्जांपल आज किसी के घर के मां कुलाल के कुछ हो गया कोई ला सकता है क्या उसको वापस नहीं ला सकता परमात्मा भी नहीं ला सकता तो इंसान की क्या औकात या अगर उस बच्चे ने कोई ब्रांड का यूज किया ब्रांड खड़ जाएगा आगे आगे भाई देखो जी आपके बच्चे ने मेरा ब्रांड खाया था नुकसान हो गया चलो बच्चा तो नहीं ला सकता तमाम उम्र मैं संभाल लूंगा आते है कोई आगे आता है कोई कूपन कोड वाला जो यही। बोलता है यूज माई कूपन कोड यू यूटी फाइव परसेंट एक्स्ट्रा डिस्काउंट आता है कोई क्यों नहीं आता भाई आओ ना आज तो मेरी सत्तू की बात करता हूँ लोग कहते हैं सत्तू ये है सत्तू वो है सत्तू प्राणा सत्तू टीक लूर्ख प्राणियों तुमने कभी ये चीज नहीं सोची तुम सत्तू को हमेशा अपने ब्रांड से कंपेयर करते हो दस इन्फ्लुंसर बैठे हो तो दसों के ब्रांड अलग अलग होंगे पर मेरा सत्तू एक जैसा ही है दिमाग लगाया किसने नहीं देखी ना क्योंकि सत्तू ही सत्य है <laughs> सत्य को कभी भी नहीं बदलते आप बदल ही नहीं सकते सत्य सिर्फ परेशान हो सकते पराजित नहीं हो सकता और जो तुम और दूसरी बात आज ये लोग जैसे मान लो आज ये ठीक है कल तीन महीने बाद फाइन का लेके बैठ जाएंगे मेरा सत्य तो वही है राइट नहीं बदल सकते उसको आप अगले तीन महीने बाद आप किंग का पानी लेके बैठ जाओगे तो आपकी चीज बदल क्यों रही है जब आपका पिसलरी सही था तो बदला क्यों भाई क्योंकि पैसा ज्यादा मिल गया

ऐसा कुछ नहीं होता हम भी तो करते हैं दो दो से उठाते हैं कितने बार मेरे बच्चे उठाते हैं और मैं तो धक्के से उठवाता हूँ हाँ वो अलग बात है जब उसने बुलाया है ना तो कोई रोक नहीं सकता वो वाली बात है बस वो एक बहाना बन जाता है कि यार वजन उठाने से मर गया नहीं हाँ वो अलग बात है वजन उठाते टाइम ते इंजरी हो गई अगर ध्यान नहीं दिया तो कई बार गर्दन टूट जाती है गर्दन से हो जाता है वो अलग चीज़ है हाँ वो अलग चीज़ अभी आपने अपनी औकात से ज़्यादा वजन उठा लिया कोई सपोर्टर भी नहीं है और आप लापरवाही करके तो आपकी जान सकती वो अलग चीज है तो फिर गलत आ, वो अलग चीज है सो so, इसमें पूरे में जो मैं देख पा रहा हूँ कि का कितना बड़ा रोल है कि एक राइट टेक्निक और स्किल तो आप में अच्छी होनी चाहिए वर्कआउट की मेंटल मेंटल टफनेस कितनी चलो टफ की बात करता हूँ आप लोगों ने देखा होगा आजकल इंस्टाग्राम पे जो मैक्सिमम दिमाग से बंद बुद्धि बच्चिया है जो अपना घर का गेट तो बंद कर लेती है मोबाइल का कैमरा ऑन कर लेती है मंद बुद्धि है तो वो दिमाग थोड़ी है मंद अगर दिमाग होता तो मोबाइल का कैमरा पे ऑन करके कपड़े बदलती वो वो नेट पे आके अपने कंटेंट डाल के चले जाती है कंटेंट क्या होता है या तो अगवाड़ा या पिछवाड़ा दो ही कंटेंट होते हैं आप उनके नीचे शेर देखना कभी भी आप ऐसे कंटेंट के नीचे शेर देखना आपको मिलियंस में शेयर मिलेंगे और दूसरी तरफ आप एक शेर देखना जहां हमारे प्रेमानंद जी महाराज ने कुछ अच्छी बात की है उसके नीचे शेर नहीं मिलेंगे आपको ये मेंटल है देख देख देख, देख नई वीडियो आ गई अरे देख देख नई वीडियो आई इसमें इसका ये दिख रहा है वो बच्चा जाएगा वॉशरूम में चल करके आ गया मेंटल ख़त्म हो गया उसका मतलब आपने अपना दिमाग पांच मिनट भी नहीं संभाल पाए सिर्फ पांच मिनट में दिमाग नहीं संभाल पाए आप उसका क्या गया उसको आपने फॉलो कर लिया चलो तो आज जितने भी लोग देख रहे हो ना आज आपको जीवन की दो बातें समझा देता हूं और खुद पे लागू है मेरा ना तो मेरा रोल है ना इनका रोल है अपना इंस्टाग्राम खोल लेना खोल के फॉलोइंग लिस्ट होती चले जाना देख लेना जिन प्राणियों को आप लोगों ने फॉलो किया हुआ है तीन ही बातें सोचनी है चौथी बात तो आप सोच भी नहीं पाओगे पहला क्या इसको अनफॉलो करने से मेरी लाइफ में कुछ फर्क पड़ रहा है ओके okay. दूसरा क्या मैंने इसको फॉलो करने से कुछ सीखा है तीसरा क्या ये मेरी लाइफ में है नहीं तो मेरे को नुकसान हुआ या नहीं हुआ ये नो बात ही खत्म जिंदगी खत्म हो गई तुम्हें ऐसे ऐसे लोगों को फॉलो कर रखे जिनका लाइफ में कोई रोल ही नहीं है हमारे रोल क्या है वो सुबह आएगी बैग दिखा देंगी या वो कुछ पीछे से स्ट्रैप कवर करते दिखा देंगी बस आई एम योर बिग फैन मैम घर पे माँ बहन बेटी के भी सब ऐसा है सोच का फर्क है हर माँ बहन बेटी की बनावट एक सी होती है दिमाग का फर्क है चलो आज आपने घर पे मां बहन बेटी उसको देख के आपके दिमाग में गंदे क्या क्यों नहीं आते मेंटल का बता रहा हूं

ऊपर से गिरा नहीं है ये आजमाई हुई चीज है और तीसरा सबसे मेन बता देता हूं जिस दिन तुम्हारी फसल को पानी देने के लिए पानी चाहिए होगा ना और तुम अपना पानी खत्म कर चुके होंगे और ये वो पानी तुम किसी से मांग भी नहीं पाओगे और ये बात पानी के लिए मैंने कही नहीं <laughs> अभी भी अपना पानी बचा लो मर्जी तुम्हारी है अपनी गोद में अपना बच्चा खिलाना है या किसी को और का बच्चा खिलाते तो हुए देखना क्योंकि आजकल की ना तो डाइट है ना उतना मेंटल रिलैक्स जीरो है तो वो आपका रहेगा ही नहीं कुछ फिर बाद में बाद में अपने पार्टनर के पास जाओगे पार्टनर सेटिसफाई नहीं होगा बिल्कुल भी नहीं होगा हर किसी की नीड होती है नीड का मतलब ये थोड़ी नींद नहीं आ रही मैं इलाके सो जाऊंगा और मेरे को स्ट्रेस हो रहा है मैं हिला लेता हूँ ये कौन सा तरीका है ये कौन सा तरीका है सर मैंने ना हिला लिया मैं वर्कआउट करने चला जाऊं क्या पूछ क्या रहा है भाई तेरे को पता भी है तू पूछ क्या रहा है ऐसा क्या हो गया जो तूने ला लिया मतलब तुमने दो पांच मिनट का तुम्हारा अपना दिमाग पे कंट्रोल नहीं है अपने वर्कआउट में इतना तोड़ दो अपने आप को तोड़ दो निचोड़ दो कि तुम्हारा हाथ याद तो बहुत दूर की बात है अगर तुम्हें यहाँ भी हो ना तो तुम किसी को बोला भाई लाना यार खुद नहीं करते यार भाई हिम्मत नहीं हो रहा नहीं रहे मेरे तो पर इन लोगों को फॉलो ऐसे लोगों कर रहे हैं जिनका काम सुबह शाम यही है यार आप मेरी बात सुनो एक छोटी चीज दो मेंटल क्या हो रखा है आज किसी लड़की की वीडियो होती है उसका मानव पिछवाड़ा दिख रहा है तो आप किसी लड़के का उतना पिछवाड़ा क्रॉप कर देना फिल्टर लगा देना उसको छोटे कपड़े पहना देना लड़का वहां भी दिमाग लगा रहे हो जिस तो लड़की का हो सकता है चाहे वो लड़की का ही है क्योंकि मेंटल दिमाग खत्म है जीरो पॉइंट पे है दिमाग के गुलाम मत बनो दिमाग को अपना गुलाम बनाओ ऐसी मंदबुद्धि बच्चिया आती रहेंगी जाती रहेंगी पर जो तुम्हारा परमार्थ है जो तुम्हारा परमार्थ है वो तुम्हारा है किसी और का नहीं है इसको नाली में मत बहाओ और ये चीज़ तुम्हें मिल जाएगी किस चीज़ के पीछे भाग रहे हो सेक्स के पीछे भाग रहे हो ये मिलना है शादी होनी है तुम्हारी मिलना है एक दिन और बा बाजे के साथ मिलेगा बैंड बाजे के साथ मिलेगा छुप छुपा के भी नहीं मिलेगा तुम्हें किसी और रूम में भी नहीं जाना किसी दोस्त को भी नहीं पूछना भाई रूम दिला दे बैंड बाजे के साथ मिलेगा डंके के साथ मिलेगा और प्राइवेसी प्रॉपर मिलेगी तो तुम अपना करियर पे क्यों ध्यान नहीं दे रहे हो सही बात तुम्हें करियर नहीं मिलेगा कामयाबी नहीं मिलेगी उस स्टेज के लिए तुम्हें खुद है, तो तुम्हें अपना परमार्थ खत्म कर दो और तुम्हारी कामयाबी कमा की तरह जी कमाता तो कुछ नहीं हिलाता हूं जी दिन में चार बार कमाई तो फिर जीरो बच्चों की गया

अब वो क्यों बताएगा ऐसा ही है अपनी बॉडी को खुद क्यों जानो तीसरा नहीं बता पाएगा आपको सो so ट्रू हाँ तो वही चीज तो है ये आके बोल देते हैं आजकल कुछ इन्फ्लुएंसर सट प्रमोट करते हैं हुक्का दारू सुट्टा ये इन्फ्लुएंसर हो तुम लोग थप्पड़ मार के जान निकाल दू तुम लोगों की मैं बराबर बैठ के दिखाओ मेरे तुम बोलते ना थर्टी एम एल सिक्स विल नोट हार मतलब तुम्हें जहर पीना है इतना पीना है इतना नहीं पियोगे तुम तुम अरेहर तो जहर तो जहर ही है अब कोई बोलता है सर मैं ब्रांड की पीता हूँ मतलब मैं क्वालिटी का खाता हूं। <laughs> कैसे दो रुपए कलम में उड़ाने वाला है खाना खिला के लोगों को चिल करना है उन लोगों के इलाज मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ एक एन जी है जो हमारे पंजाब के अनमोल छब्बीस से सताइस साल की है इस बंदे की दस साल से वो काम कर रहा है एनजीओ के लिए इंडिया की फर्स्ट एन है जहां नो फोन पे नो बैंक अकाउंट ट्रांसफर जीरो सबसे उस बंदे की खास बात यह है वो आपके पैसे को हाथ भी नहीं लगाता वो अगर आप उसको बोलोगे ना ये डोनेशन नहीं जी है दिन है आ जा आके खुद पेशेंट के हाथ में दे दे मैं नहीं हाथ लगाऊंगा भाई वो बंदा काम करता है असली पंजाब और सबसे बड़ी बात वो खाली पंजाब के लिए नहीं है ऑल इंडिया से कहीं भी आ जाओ मैं इलाज कराऊंगा बहुत बढ़िया मैं इलाज कराऊंगा मैं उसके पास जाता हूँ मैं दस बार जाया उसके पास में। आज तक उस बंदे ने मेरे एक रुपए को भी हाथ नहीं क्या बात है लाभ मतलब हम दोनों भाई जैसे क्लोज है क्लोज होने के बाद भी उसने मेरे से आज तक एक रुपया नहीं लिया है हमेशा एक ही बात बोलता है जिसको आप भी बोलोगे ना मुझे हेल्प करनी है आ जाओ भाई बैठो सुनो मरीजों को जानो क्या होता है डायरेक्ट करो डायरेक्ट करो अपने हाथों से करो मेरा रोल ही नहीं है वहां बैठ के मैंने एक चीज जानी थी एक बाजी थे सिर्फ पैंतीस सौ रुपये की वजह से उनका छह महीनों से आंखों का इलाज नहीं हो पा रहा था अरे मैंने जूते पहने हुए थे उससे दस गुना महंगे मेरे को शर्म आ गई अपने आप में तो मूर्ख है सौ रुपये के जूते भी तेरे कवर कर लेंगे जमीन अरे बाहू जी देख वो करो ना वहाँ जाओ ना तुम लोग तुम लोग रात को दारू नशा करके बोलोगे मैं सुबह जिम में कार्डियो मारूंगा मैं कार्डियो मार के अपनी दारू निकाल दू ऐसे नहीं निकलती नहीं निकलती दिमाग से बह है तुम लोगों का हॉस्पिटल में पड़े रहोगे एक पाइप इधर होगी एक पाइप इधर होगी सामने नितेश सोनी का इंस्टाग्राम चल रहा होगा यार ये या आदमी सही बोलता था <laughs> तो तुम्हारा वक्त निकल जाएगा मरता हर कोई है भाई साहब मैटर करता है जिया कैसे जाए मरता हर कोई है जानवर भी मरेगा इंसान भी मरेगा प्रकृति पेड़ पौधे भी मरेंगे पर मैटर करता है एक पेड़ जिया तो कितने फल देके जिया मैटर करता है एक इंसान जिया तो कितने पुण्य करके जिया मैटर करता है एक कुत्ता रहा तो कितनी वफादारी करके पारा मैटर ये करता है। बच्चे जानवर ही पैदा करता है, करता है करते हैं ना सेक्स जानवर भी करते करते हैं हैं फिर तुम में में और इंसान फर्क क्या रह गया तुम भी जानवर ही हो दुनिया में खाली बच्चे थोड़ी पैदा करने आए हो हिलाने थोड़ी आए दुनिया में कुछ ऐसा करो ना अपने आप शीशे के सामने खड़े हो तो तुम्हें प्राउड फील हो यार मैं कुछ किया चाहे तुम एक कदम भी उठाओ मानवता के लिए आज एक छोटी सी एग्जाम्पल देता हूँ आपको कहीं भी लड़ाई होती है थप्पड़ क्यों नहीं मार रहा जाके भाई जो गलत है उसके तू 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 न्यूज़ वाला मीडिया है लग निकाल फिर बोलते हैं बचाओ कोई आके यहाँ पे <laughs> तो मूर्ख प्राणी तू वहां क्या कर रहा है खड़ा <laughs> तू व्यूज बाद में ले लेना भाई पहले जाके बचा ले किसी को ये दुनिया है। वो बात है ना

तीसरा सबसे मेन जो आपको ये फोर्स करता है कि तेरे में स्ट्रेंथ नहीं आ रही तो तू टेस्ट बूस्टर ले तेरे मसल नहीं बन रहे तू ये पे प्रोटीन ले तेरे को रात को नींद नहीं आ रही तू ये जिंक खा नहीं काटा मार दो क्योंकि वो अपनी जेब पे ध्यान दे रहा तुम्हारे पे ध्यान नहीं दे रहा अगर कोई देखो गुरु का काम खाली बॉडी बनाना नहीं होता है गुरु का काम होता है चरित्र बनाना बॉडी हर कोई बना देगा बॉडी तो आप यूट्यूब से देख के बना लोगे यार चरित्र से सीखोगे तुमने सिक्स पैक बना लिए तुमने एप्स बना लिए तुमने डोले शोले बना लिए तुम्हें माँ बहन की इज्जत नहीं करनी आ रही समाज में बैठा नहीं आ रहा तो दिकार तुम्हारे गुरु पे है तुम पे नहीं है आज मेरे बच्चे हैं मेरे को प्राउड है बच्चों में जितने भी मेरे जिम्े आते हैं क्योंकि वो बच्चे कभी किसी को गलत नहीं बोलते और बच्चे कहीं भी जाते हैं हेल्प करते हैं लोगों की एस इज नॉट आउट फॉर सोशल मीडिया आज लोग बोलते हैं कि आप सोशल मीडिया पर डालते हो अगर लोग इंस्पायर होते हैं हम जब डालते हैं अगर आज मेरे पास कोई सौ दो सौ फ्लोविंग होते मैं नहीं डालता आज एक प्लेटफॉर्म है जिसपे हम कुछ सिखा पाए और सबसे मेन अगर ऐसा कोई जिम ट्रेनर है जिसको तुम जाके बोलते हो कि सर मेरे को स्ट्रेस हो रहा है और वो तुम्हें जाके सुट्टा पिला रहा है तुम्हें दारू पिला रहा है गांजा करवा रहा है कुछ करवा रहा है ईंट लेके सिर्फ फोड़ देना उसका तो ताकि वो किसी और बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर पाए अगर तुमने छोड़ दिया वो कोई और बच्चा पकड़ देगा ईंट मार के सर फोड़ दो ताकि वो दोबारा किसी बच्चे को ये गलत रास्ता नहीं दिखाए मैंने खुद लाइव देखी ये चीज बच्चा बैठा बच्चा आया आके बोलता गुरु जी गुरु जी बस दिमाग खराब है गुरु जी गुरु जी गुरु जी ऐसे इस रोल करने लग गया भाई क्या कर रहा है स्ट्रेस आउट कर मैंने बच्चे के कान थप में थप्पड़ मारा कस के मैं जिंदगी में स्ट्रेस नहीं आएगा इसको ये ले पूछ पूछा क्या स्ट्रेस कहता नहीं है जी मैं क्या ऐसा दोबारा मार दू एक कहता नहीं आई नहीं जी मैं ये होता तरीका भगवान का गुरु हो आप गुरु भगवान के बराबर होता है और तुम गुरु नहीं हो तुम अपनी जेबें भर रहे हो ये तू ये क्या कर रहे ऐसे कैसे शर्म नहीं आ रही तेरे को तो वह तेरे इसलिए नहीं, नहीं मारा क्योंकि तेरा बच्चा बैठा है गुरु के सामने, बच्चे के सामने तो <laughs> बच्चे ढूंढेगा मैं फिर बोल रहा हूँ ईट लेके सर फोड़ देना उसका ताकि वो किसी और की बच्चे की जिंदगी खराब नहीं कर पाए ये होता है मानवता की तरफ कदम उठाना शिक्षा एक को सबक लाखों को सो नितेश बहुत ही बिल्कुल बेबाक और आपका जो स्टाइल है उसी तरीके से आपने आंसर्स दिए। सो नितेश जी प्री वर्कआउट स्नैक क्या है आपका आलू दही हो गया हाँ huh? ठीक है राइस दही हो गया या केला और दही हो गया या पचास ग्राम सत्तू सत्तू पाउडर उसके अंदर एक चम्मच शायद थोड़ा सा नींबू और एक गिलास पानी ये अपने वर्कआउट से साठ मिनट

कि मैं सुबह जाऊंगा नहीं जब आप यहां से रिलीफ हो ना तोड़ो अपने आप को वट इज ये बेसन की रोटी मिल जाए तो ठीक है नहीं तो सिंपल आटे की रोटी अब वो भी पूरे तवे पे सुखी हुई ऐसे नहीं कि रोटी आधी तवे पे सीखी आधी चूल्हे गैस पे नहीं पूरी तवे पे परिस पुराने टाइम में राम रोट बोलते अच्छा जो मम्मी क्या करती है जैसे आटा गूंटती है ना oh. आटे में देसी घी डाल देती है तो वो देसी घी में गूंधा जाता है गूँद उसके बाद उसकी रोटी बनती है रोटी प्रॉपर चूल्हे पर सीखेगी तवे पे ऐसे नहीं कि उसको आधी गैस पर हो गया आधी नहीं सीखने के बाद उसमें या तो गुड़ डालूंगा मैं या देसी शक्कर आती है और अच्छे से तकरीबन डेढ़ सौ दो सौ ग्राम की अगर वो नहीं है तो मैं खाऊंगा बेसन का हलवा अच्छा उसमें बेसन और आटे का मिक्स करके हलवा ड्राई फ्रूट डाल के और एक गिलास दूध ये उन लोगों के लिए बता रहा हूँ अगर किसी लोगों के घुटने में दर्द है या रिकवरी नहीं कर पा रहे या बॉडी में सोरनेस बहुत रहती है या बॉडी में पेन रहता है या जब भी ऐसे अचानक से खड़े होते हैं बॉडी दो मिनट के लिए चक्कर कर चकरा जाती है बेसन का हलवा बना लेना आप लोग पर उस हलवे के अंदर या तो गुड़ डालना है या देसी शक्कर डालनी है रिफाइनरी चीनी नहीं डालनी उसको एक साथ एक गिलास दूध लेना दूध में आपको हल्का सा इलायची और थोड़ा सा दालचीनी वीक में दो बार खाना आप लोग उसके बाद खुद देखना आपकी बॉडी क्या एनर्जेटिक फील करेगी एक फिटनेस मिथ जो आप चाहते हैं कि लोग छोड़ दें सोया चंक से मैनबूब्स कभी भी नहीं आते दिमाग से निकाल दो और सबसे मेन बात सप्लीमेंट के बिना सब कुछ होता है क्योंकि आपकी डाइट सप्लीमेंट की कमी पूरी कर देगी बट कोई भी दुनिया में ऐसा सप्लीमेंट नहीं बना जो आपकी डाइट की कमी पूरी कर दे सप्लीमेंट इज नॉट अ मैजिकल वरदान कि जो आसमान से फाड़ कर निकला है बिल्कुल भी नहीं निकला है ये फूड से ही बने हैं बट हमें आदत हो चुकी है शॉर्टकट्स की हमें जो बेसिक रूल्स है उनको अपनाने के बजाय हमें भागने के भागते नहीं बेसिक में रहोगे कामयाब रहोगे जिंदा जिंदा रहोगे रहोगे। सबसे बात है What is your favorite exercise? मेरी देखो तो तीन से चार है। First squash, जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। है दूसरा uh -huh. जो है, ब, जो भी है बच्चे ध्यान से लगाएं क्योंकि डेड लिफ्ट एक अच्छी भी है बुरा भी है पॉजिटिव इम्पैक्ट भी, भी है दोनों भी है तीसरा शोल्डर है, प्रेस जो बेस्ट रहती है सारी कंपाउंड सारी बेस्ट है ऐसी कोई ऐसी नहीं है

ये उन लोगों के लिए जो लोग बालते मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन चाहिए मोटिवेशन चाहिए खुद को अपने आप बिना कपड़ों के देख लेना मिरर के सामने मोटिवेशन <laughs> मोटिवेशन आ जाएगे. आ जाएगा देखो गन्ने का एक गिलास दूध को बॉयल करना थोड़ा सा उसमें डाल देना हल्दी और थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डालना है पाउडर नहीं डालना जो दालचीनी की स्टिक्स आती है वो डाल देना उसमें डाल देना थोड़ा सा गुड़ डाल देना ताकि मीठा फ्लेवर आ जाए और ऊपर से डालना एक चम्मच देसी घी गाय का हर दिन पियो आप लोग खुद देखना एक तो स्किन देखना आप कहीं देखो ऐसे मारते मेरी वाइट हुई स्किन नहीं है नहीं हुई ना कई बच्चों को देखना ऐसे लाइन मारना वाइट हो जाएगी व्हाइट मैं थर्टी फोर ईयर ओल्ड हूँ स्किन वाइट नहीं होगी मेरी वरना आप किसी की मारना स्किन वाइट हो पी लेना उसको और बाद में थैंक यू बोल के चले जाना रनिंग ऑन अ ट्रेडमिल और रनिंग आउटसाइड देखो दोनों जगह ही कर सकते हो मैटर नहीं करता बट हाँ जब भी ट्रेडमिल पर रनिंग करो तो ट्रेडमिल का सारा मत लो जैसे कुछ ऐसे पकड़ लेते ना आगे वो नहीं करना वट इज ये ना मैं हमेशा तीन बातें ध्यान रखता हूँ मैं कुछ थोड़ा बहुत ऐसा खा लेता हूँ जिससे मैं दोगुनी मेहनत कर देता हूँ अच्छा जैसे मान लो अगर मुझे लग रहा है कि मेरे को मोटिवेशन नहीं आ रहा यार मेरे को जिम नहीं मिल रहा तो बाहर जाना है मैं क्या करूँगा हल्का सा चोलेट का पीस खा लूंगा अच्छा मेरे दिमाग में मैंने खाया है मुझे कुछ ना कुछ करना है तो वो खाया तो मैंने होता पचास कैलरी का पर मैं वेस्ट कर गया वो साढ़े पाँच सौ कैलरी नहीं कोई नहीं है सब बिके हुए हैं सब सट्टे जो बेच रहे हैं कोई क्रिकेट बेच रहे हैं कोई दारू बेच रहे हैं कोई सुट्टा बेच रहे हैं कोई पाँच सुपारी बेच रहे। मैं नहीं करता किसी के साथ वट इज योर गिल्टी प्लेजर फूड ऐसा तो कोई नहीं सब घर का ही खाता हूँ मैं मैं बार की चीज़ें बंद ही कर दी मैंने वॉट इज वन सॉन्ग दैट ऑलवेज गेट्स यू अप फॉर वर्कआउट राम जी का जितने मर्जी है अच्छा। देखो आगे से जब भी बोलता ना पापा जय श्री राम <laughs> मैं कह रहा दुनिया के सब एक अलग है और वो एक अलग है। वो जब भी उठता है उठते जय श्री राम बोलेगा और जब भी घर जाऊंगा आके वो मेरे ऐसे पीठ में चढ़ेगा और मेरे कान पे आके बोलेगा पापा जय श्री राम दुनिया का सब सुकुन आ जाता है मेरे को सो बिफोर वी एंड एनी वन मैसेज टू गिव टू ऑडियंस देखो एक ही बात बताऊंगा आप सबको जितने भी आप भाई का परिवार देख रहे हो या मेरे परिवार से देख रहे हो आप लोग हिंदुस्तान की सभ्यता संस्कृति को भूल चुके और यही वो वजह है कि जिसकी वजह से आप आज के नाकामयाब इंसान हो हम हम उस देश से बिलोंग करते हैं जो सभ्यता और संस्कृति का प्रतीक है ना कि इन चीज़ों का प्रतीक है सुट्टा पी लो दारू पी लो नशे कर लो या अपने माँ बाप को गाली गलोच कर लो या आप किसी उनके चक्कर में पड़ के अपने माँ बाप को भूल जाओ आप जिस दिन देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूं आपको जैसे ये भाई साहब बैठे हैं है ना मान लो बैठ रहे हैं। अरे इधर आए चले से गिला। अब इसमें क्या हुआ मैंने तीन बातें कौन फर्स्ट मेरे माँ बाप के संस्कार दूसरा मेरे गुरुओं का मान तीसरा मेरा करेक्टर गया एक होता है यार भाई साहब एक बात सुना आप इसको ले जाएंगे प्लीज अब इसमें मैंने तीनों का मान बढ़ा दिया मेरे गुरुओं का मान मेरे माँ बाप के संस्कार और मेरा करेक्टर सिर्फ टोन का फर्क आया राइट right. आया ना क्यों वो इंसान नहीं है है तो इंसान भी वो भी भगवान का बंदा है बस यही चीज है हर किसी को तमीज में बात करो क्योंकि इज्जत एक ऐसा वर्ड है या एक ऐसी चीज है जिसको ना तो देने के पैसे लगते हैं ना आपको उसके लिए गाड़ी में बैठना पड़ेगा ना आपको उसके लिए ब्रांड के जूते पहनने पड़ेंगे ना आपको उसके लिए बड़े घर का होना जरूरी है ये वो चीज है जिसको देने से आप दुनिया के सबसे तमीज वाले इंसान बनते हो तो वही चीज कामयाब रखो अच्छा लग रहा है उसको देखो तो इंस्टाग्राम पे ब्लॉक का ऑप्शन ऐसे ही नहीं दिया गया डिंग डोंग करने के लिए नहीं है वो इन्हीं चीजों के लिए है कि जो आपको अच्छा नहीं लग रहा ब्लॉक करके अपनी लाइफ पे ध्यान दो और सबसे मेन बात जो युवा शक्ति है पंद्रह से पच्चीस साल या बीस साल बाईस साल अगर आपको किसी का कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो आपके पास कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर जाके गाली गलोच करने का क्योंकि उतना ही बोलो जुबान से जितना सुन पाओ कान से ये बात समझा देते क्योंकि कल को तुम भी तरक्की करोगे तो यही तुम्हें मिलने वाला है क्योंकि जो, जो कर्म होता है वो यहीं से शुरू होता है और यहीं पे खत्म होता है और कर्मा ना जाति देखता ना धर्म देखता ना उम्र देखता ना स्त्री लिंग पुलिंग कुछ नहीं देखेगा वो वो सिर्फ ये देखेगा कि आपने किया क्या है तो आपको क्या मिलेगा जो आपने बोया है आप वही आगे बढ़ाओगे जो आपने दिया है अगर किसी का अच्छा नहीं लग रहा टाटा बाय बाय चल अपने काम पे ध्यान दो वहां जाके अपने की बोर्ड योद्धा मत बनो क्योंकि कल को आप भी बनोगे तो बहुत सारे की बोर्ड योद्धा पैदा हो जाएंगे तो निकलो इन चीजों से बाहर अपनी मेहनत पे ध्यान दो तीन चीजें हैं जिनको अपना लो मर्यादा चरित्र और अनुशासन दुनिया का कोई भी आदमी तुम्हें हरा नहीं सकता जय श्री राम